नमस्कार, एवन न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं मीनाक्षी संगतानी। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। आपके भागी कपिल मिश्रा पहुंचे एसीबी। टैंकर घोटाला मामले में केजरीवाल की बढ़ाई परेशानी। आप सरकार पर पूर्व सीएम शीला दीक्षित को बचाने का लगाया आरोप। नागौर के पर्वतसर में पीसीपीएनडीटी की कार्रवाई। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की नर्स भ्रूण लिंग जांच मामले में गिरफ्तार। बोगस ग्राहक बनाकर दिया कार्रवाई को अंजाम। अलवर की बहरोड जेल में चाकूबाजी, एक कैदी हुआ घायल। घटना के बाद जेल प्रशासन ने मचा हड़कंप। मामले की जांच में जुटे अधिकारी। भीलवाड़ा में मासूम पर अंधविश्वास का दंज। इलाज के नाम पर गर्म सलाखों से दागा। गंभीर हालत में कराया अस्पताल में भर्ती। सीकर के कुख्यात अपराधी राजू ठेहट लूट के दो मामलों में बरी। कोर्ट ने संदेह का लाभ देते हुए किया बरी। कड़ी सुरक्षा के बीच किया ठेहट को कोर्ट में पेश। दिल्ली सरकार में मंत्री पद से हटाए जाने के बाद आप विधायक कपिल मिश्रा के बगावती तेवर जारी हैं। कपिल मिश्रा वाटर टैंकर घोटाला मामले में एसीबी के दफ्तर पहुंचे, जहां दफ्तर से बाहर आने के बाद पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा ने बताया कि टैंकर घोटाले को लेकर एसीबी को जानकारी दे दी है। कपिल ने दावा किया था कि घोटाला मामले में शीला दीक्षित को बचाने की कोशिश की जा रही है। वहीं केजरीवाल पर कपिल मिश्रा के आरोपों का पार्टी के पंजाब प्रभारी ने समर्थन किया है। वहीं केजरीवाल और सत्येंद्र जैन के बीच लेन देन पर कपिल मिश्रा ने कहा कि वो इस केस को लेकर सीबीआई के पास जाएंगे। कपिल ने बताया कि उन्होंने सीबीआई से मिलने का वक्त मांगा है। वहां जाकर केजरीवाल और सत्येंद्र के बीच हुए लेन देन के खिलाफ केस दर्ज कराऊंगा। आपको बता दें कि रविवार को कपिल मिश्रा ने आरोप लगाया था कि उन्होंने सत्येंद्र जैन को केजरीवाल को 2 करोड़ रुपए कैश लेते देखा था। इस मामले में कपिल मिश्रा सरकारी गवाह बन सकते हैं। भरतपुर में स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय प्रमुख संचालक मोहन भागवत आरएसएस के द्वितीय वर्ष प्रशिक्षण शिविर में कार्यक्रम में भाग लेंगे। शहर में इस वर्ग में 18 मई से 21 मई तक संघ चालक मोहन भागवत का प्रवास रहेगा।
भरतपुर में आरएसएस की ओर से पहली बार प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है, जिसकी तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। इसमें प्रदेश भर से 400 शिक्षार्थी सहभागी होंगे। शिविर केशव नगर स्थित आदर्श विद्या मंदिर परिसर में होगा। बीजेपी के वरिष्ठ नेता घनश्याम तिवाड़ी की सरकार और पार्टी के खिलाफ बयानबाजी को लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि इस मामले में बीजेपी की अनुशासन समिति सही निर्णय करेगी। कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा हो, उसे पार्टी के खिलाफ बोलने का अधिकार नहीं है। यदि फिर भी कोई पार्टी और सरकार के खिलाफ किसी भी तरह की अनुशासनात्मक बात करता है तो उसके खिलाफ अनुशासन समिति उचित निर्णय लेगी। राज्य की उच्च शिक्षा मंत्री किरण माहेश्वरी का कहना है कि कोई भी पार्टी के खिलाफ बयानबाजी करता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही होनी ही चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति पार्टी या संगठन से बड़ा नहीं है। राज्य के खाद्य मंत्री बाबूलाल वर्मा का भी यही कहना है कि बीजेपी अनुशासित पार्टी है, यहाँ सबको पार्टी मंच पर अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन सबके लिए नियम कायदे बने हुए हैं। यदि किसी ने मर्यादाओं से बाहर जाकर टिप्पणी की होगी तो उसके खिलाफ अनुशासन समिति काम करेगी। देखिए, सरकार के खिलाफ किसी भी तरीके से बयानबाजी करना ये तो बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है, तो पार्टी को जो एक्शन लेना है वो पार्टी लेगी। नागौर जिले के परबतसर में पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्रवाई करते हुए स्टाफ नर्स को गिरफ्तार किया है। 47 वर्षीय स्टाफ नर्स शाजी जान भ्रूण लिंग जांच एवं अनाधिकृत रूप से गर्भ समापन करने में लिप्त थी। पीबीआई एसएचओ सीताराम ने बताया कि बोगस ग्राहक बनाकर सरकारी हॉस्पिटल में कार्यरत स्टाफ नर्स शाजी जान के पास भेजा गया। भ्रूण लिंग जांच के लिए नर्स ने 10,000 रुपए लिए। सोनोग्राफी सेंटर के डॉक्टर द्वारा बोगस ग्राहक की सामान्य सोनोग्राफी कर रिपोर्ट गर्भवती महिला को दी गई। जब गर्भवती महिला ने रिपोर्ट वापस आकर नर्स को दिखाई तो उसने गर्भ में लड़का होने की बात कही। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पीबीआई रघुवीर सिंह और पीसीपीएनडीटी के परियोजना निदेशक की टीम ने नर्स को गिरफ्तार कर रकम बरामद कर ली है। इसे परबतसर के एसीजेएम कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने नर्स को 22 मई तक जेल भेजने के आदेश दिए हैं। जयपुर में सूचनाएं मिल रही थी कि साजी जॉन नाम की जो नर्स है परबतसर में तैनात है, वो भ्रूण लिंग जांच के लिए काम कर, तो इस पर डिकोई कार्रवाई प्रारंभ की गई हमारे द्वारा। टीम ने कल रात उसने साजी द्वारा कल सुबह 9 बजे हम लोगों को बुलाया प्रेग्नेंट महिला को लेकर, तो प्रेग्नेंट महिला को उसने सोनोग्राफी सेंटर पर स्वयं के द्वारा पर्ची बनाकर दूसरे भेज दिया। वहाँ से सोनोग्राफी रिपोर्ट लेकर आने के बाद उस साजी द्वारा उसको रिपोर्ट को देखकर 15-20 मिनट बाद बताया कि इसके गर्भ में लड़का है, मतलब उसको लिंग जांच की सूचना दी थी और उसके 10,000 रुपये उसके द्वारा लिए गए थे, जो हमारी टीम द्वारा मौके पर जब्त किए गए और महिला को उसको साजी जॉन को गिरफ्तार कर लिया गया। आज माननीय न्यायालय में पेश किया गया, जहाँ से उसको 22-5 तक न्यायिक अभिरक्षा भिजवा दिया। भीलवाड़ा में अंधविश्वास के चलते मासूमों को गर्म सलाखों से दागने का सिलसिला नहीं थम रहा है। पिछले एक माह में इस अंधविश्वास ने 2 मासूमों की जान ले ली है। इस वर्ष की शुरुआत से अब तक 9 मामले सामने आए हैं। करेड़ा थाना क्षेत्र के रघुनाथपुरा ग्राम की रहने वाली मांगी देवीनाथ ने निमोनिया होने पर अपने 15 माह के मासूम को गर्म चिमटे से दाग दिया। इसे गंभीर हालत में महात्मा गांधी चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है।
अलवर जिले की बहरोड जेल में चाकूबाजी की घटना हुई। इस घटना में मंजीत नाम का कैदी घायल हो गया। घायल कैदी को बहरोड अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस के अनुसार विक्रम उर्फ लादेन व कुंदन नाम के दो कैदियों ने हमला किया था। घटना की जानकारी लगते ही जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। मामले की उच्च अधिकारियों को जानकारी दी गई। आपको बता दें कि विक्रम उर्फ लादेन कई थानों का वांटेड है, जिस पर हत्या का प्रयास, लूट, चोरी जैसी वारदातें करने के मामले दर्ज हैं। धौलपुर जिले के बाड़ी कस्बे में रेलवे फाटक रोड के पास स्थित रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान से चोरों ने करीब 5 लाख रुपए का सामान चोरी कर लिया। पीड़ित व्यवसायी गोविंद सिंह ने बताया कि अज्ञात चोरों ने दुकान के ताले तोड़ दिए और उसमें रखे ब्रांडेड कंपनी के कपड़ों को लेकर फरार हो गए। इतना ही नहीं, चोर दुकान के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे और कंप्यूटर सेट को भी साथ ले गए। सीकर के न्यायिक मजिस्ट्रेट ने कुख्यात अपराधी राजू ठेहट को दो अलग अलग लूट के मामलों में संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। ठेहट के वकील हरीश कुमार ने बताया कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने राजू ठेहट को कड़ी सुरक्षा के बीच पेश किया गया। वर्ष 2002 में फतेहपुर सीकर मार्ग पर ठेके के लूट के मामले में और कारों की धानी में मतदान के दौरान ईवीएम मशीन लूटने के मामले में संदेह का लाभ देते हुए आरोपों से बरी कर दिया है और पेशी के चलते न्यायालय में भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। श्रीगंगानगर के सदर थाना इलाके के सरदारपुरा में पुलिस ने एक युवक को बाइक के साथ 12 किलो डोडा पोस्त के साथ पकड़ा है। थाना प्रभारी कृष्ण कुमार ने बताया कि गश्त के दौरान युवक पुलिस के गश्ती वाहन को देखकर भागने लगा। ऐसे में पुलिस ने युवक का पीछा कर दबोचा और उसकी तलाशी ली तो उसके पास 12 किलो डोडा पोस्त बरामद हुआ। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। अजमेर के गंज थाना इलाके में एक युवक का शत विशत शव मिलने से सनसनी फैल गई। कोतवाली थाना बीएल मीणा ने बताया कि अजमेर में रहने वाले 35 वर्ष के युवक सोनू दुबे का शव शत विशत हालत में सुभाष उद्यान के गेट पर मिला। शव को जगह जगह से जानवरों ने खाया हुआ था। देर रात को मृतक सोनू बीमारी की हालत में इलाज के लिए अस्पताल गया था। अस्पताल से लौटते समय वह सुभाष उद्यान के गेट पर आकर सो गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है कि ये महज एक हादसा है या हत्या की घटना है। भीलवाड़ा के गुलनगरी कॉलोनी स्थित एक मकान में अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिसके कारण क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। वहीं क्षेत्रवासियों ने मौके पर पहुंची दमकल ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग के कारण छत की पट्टियां टूट गईं और 4 बकरियां उसके नीचे दबने से मर गईं। आग के कारण आसपास के मकानों में भी दरारें पड़ गईं। मकान मालकिन मुमताज बानो ने कहा कि पूरा आशियाना ही छिन गया, हमारे पास खाने तक का सामान नहीं बचा। आज सुबह दिन में चौकी में इतना मिली थी कि गुलनगरी की गली नंबर 3 में कोई आग लग गई है। इस पर फायर ब्रिगेड को सूचित किया गया। फायर ब्रिगेड मौके पर ही स्टाफ मौके पर आया और यहाँ मौके पर आग बुझाने की कार्रवाई जारी हो रही है। और लथी बंसारी के मकान में आग लगी थी, काफी नुकसान हुआ है और भी आसपास के मकानों में दरारें आई है। अभी भी आग बुझाने का काम चल रहा है। अभी ऐसे ही कोई क्लियर सूचना नहीं है, बाकी अंदर बकरियां होना बता रहे हैं तो पूरी बुझाने के बाद पता चलेगा। अंदर बकरियां भी जलने की कुछ सूचना है।
झुंझुनू जिले के सूरजगढ़ क्षेत्र के कुशालपुर में गैंग रेप की शिकार हुई पीड़िता को डेढ़ माह बाद बेइंसाफ नहीं मिला। उसने मजबूरन आत्महत्या करने का ऐलान कर दिया। आपको बता दें कि पचहरी कलां थाना क्षेत्र के कुशालपुरा गांव की एक नाबालिका के साथ तीन लोगों ने गैंग रेप किया। इस संबंध में 26 मार्च को मामला दर्ज कराया गया था। रिपोर्ट में बताया गया कि 17 वर्षीय नाबालिग लड़की के 26 मार्च की सुबह गांव के संदीप जाट, नरेंद्र जाट व दीपक बहला फुसला कर गाड़ी में डालकर खेतड़ी ले गए थे और वहां तीन चार लोगों ने बंधक बनाकर तीन दिन तक गैंग रेप किया। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी पीड़िता को जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। जब पीड़िता को होश आया तो किसी तरह कमरे से बाहर निकली और चिल्लाना शुरू किया, जिसके बाद पड़ोसियों की सूचना पर खेतड़ी पुलिस मौके पर पहुंची और खेतड़ी पुलिस ने ही पीड़िता को पचहरी थाना पहुंचाया, जहां पीड़िता ने पुलिस को अपने साथ हुई घटना की जानकारी दी। खेतड़ी मजिस्ट्रेट के समक्ष पीड़िता के 164 के तहत बयान दर्ज हुए और मेडिकल में रेप की पुष्टि होने के बाद मामला दर्ज करने के आदेश जारी किए, मगर आज तक पुलिस ने एक भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है। जब संदीप आकर बोला कि तुम्हारी सहेली तेरे को बुला रही है, फिर मैं वहां से चल पड़ी। फिर संदीप पीछे से गाड़ी लेके आया, उसमें दो लड़के और थे, दीपक और नरेंद्र। उन्होंने मेरे को गाड़ी में घेर लिया, फिर मेरे को लक्षाड़ी तक पता है। फिर उन्होंने मेरे को कुछ पिला दिया था। फिर संदीप ने मेरे साथ और दीपक ने बलात्कार किए थे दो दो बार। बारां जिले के बमनगवा निवासी एक जने को बाइक लूट के मामले में जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी रतन सिंह भाटी ने बताया कि दो माह पहले बमनगवा निवासी नवल गुर्जर से बाइक लूट ली गई। इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर बाइक भी बरामद की। आरोपी राम सिंह उर्फ छिंगा एमपी के गुना का निवासी है। थाना प्रभारी रतन सिंह भाटी ने बताया कि आरोपी को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया है, जहाँ से उसे 9 मई तक पीसी रिमांड पर लिया गया है। कोटा में नगर निगम सेक्टर 1 के अस्थायी कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर ठेकेदार के शोषण के विरोध में हड़ताल कर दी। ऐसे में कर्मचारियों ने सेक्टर कार्यालय के बाहर धरना देकर विरोध जताते हुए प्रदर्शन किया। सफाई कर्मचारियों का कहना है कि 2013 के बाद से ही शहर के सभी 15 सेक्टरों में सफाई के ठेके नहीं हुए और जिन ठेकेदारों को पहले से ये ठेका दिया गया वो अस्थायी सफाई कर्मचारियों का शोषण कर रहे हैं। कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिल रहा है। वहीं महिला अस्थायी सफाई कर्मचारियों का कहना है कि ठेकेदार काम से निकालने की धमकी देते हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि ठेकेदार की मनमानी इसी तरह से रही तो कोटा के सभी सेक्टरों में कार्यरत अस्थायी सफाई कर्मचारी हड़ताल पर चले जाएंगे। हमारे काम के काम करते हैं, हमें पेमेंट बराबर नहीं देते हैं। 4000 रुपए 2000 रुपए देते हैं, 2000 में हमारा कुछ भी गुजारा नहीं होता है। ना पीएफ दे रहा है हमें। ठेकेदार कहता है हम अभी दे देंगे, अभी कर देंगे। ठेकेदार भी जवाब नहीं दे रहा कुछ, खाली यही कह के रह जाता है वो हमें। तो ठेका चाहिए, बैंक में चाहिए हमें तो हमारी पेमेंट। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर विभिन्न मांगों को लेकर पटवारियों ने धरना प्रदर्शन कर रैली निकाली है और मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। जानकारी के मुताबिक पटवारी सामूहिक अवकाश पर रहकर न्याय आपके द्वार कार्यक्रम का बहिष्कार किया है और अपनी मांगों को लेकर जोरदार नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन किया है। हमारी मांगों के विरोध में जो हमारे अभाव हैं उनको मनवाने के लिए सरकार को हमने मांग पत्र दे रखा है और सरकार ने 3 साल से रेगुलर मांग पत्र देते हुए हमेशा सकारात्मक वार्ता के लिए हमेशा बताया गया कि आपके मांगे जायजे, हम आप इस पे वार्ता करेंगे और क्रम से इसका हम आपको समाधान कर देंगे, मगर आज दिन तक सरकार ने एक भी मांग का पॉजिटिव कोई समाधान नहीं किया है। आगे क्या कदम रहेगा इसके लिए? पटवार संघ, राजस्थान संघ और तहसीलदार संघ इसके लिए प्रयासरत है हमारी मांगे मंगवाने के लिए। तीनों का एक ही मांग पत्र दिया गया है और आज की तारीख में यहाँ धरना रखा है। सभी पूरे राजस्थान में सभी जिला मुख्यालयों पर धरना रखा गया है। जयपुर के जमवा रामगढ़ क्षेत्र के तालागांव में अटल सेवा केंद्र पर न्याय आपके द्वार अभियान का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता विधायक जगदीश मीणा ने की। इस दौरान प्रभुदयाल गुर्जर, देहात अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष फखरुद्दीन शेख सहित कई लोग उपस्थित रहे।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV।